देखने वाले हैं 17 मार्च से संबंधित जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिस्कस करते हैं। चलते हैं, देखें पहले पॉइंट की तरफ। पहले पॉइंट में देखिए क्या कहा गया, अगस्त 2026 तक चलेगी भारत की ब्लू ट्रेन। तो पूछा, रेल मंत्री ने अभी हाल में ही घोषणा की है कि अगस्त के लास्ट तक, मतलब 2026 तक भारत में ब्लू ट्रेन चलेगी। जो हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तो उसने इसकी घोषणा की है। तो ये कहाँ चलेगी, मुंबई से लेके गुजरात में अहमदाबाद तक चलेगी। मुंबई के महाराष्ट्र से लेके गुजरात के अहमदाबाद तक ये चलेगी। 508 किलोमीटर के टेस्टेक पर ये चलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, देखें पर्यावरण सामाजिक और शासन कानून भारत 2023। पूछेगा, हाल में ही शासन कानून भारत बना 2023, तो वो किसके ऊपर बना, वो पर्यावरण सामाजिक व शासन कानून भारत बना। ये क्या है, मतलब हर साल वर्षों के पर्यावरण सामाजिक शासन के लेके मुद्दे दुनिया भरों के लेके, तो उसकी चिंता के लिए, मतलब उन्होंने कोई अपवाद ना करे, कोई कोऑपरेट किस तरीके से करना, तो उसके संबंधित ये एक नया पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया। तो पूछा जाएगा हाल में ही कि किस पर एक कानून बनाया गया, तो आप बताएंगे पर्यावरण सामाजिक व शासन कानून भारत 2023 बनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें डेनमार्क CO2 का आयात करने वाला और उससे समुद्र नीचे दफनाने वाला पहला देश बन गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें उत्तराखंड रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। पूछेगा, भारत का पहला राज्य जो रेशम उत्पादकों के लिए बीमा देगा, तो आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट चलते हैं, भारत और सिंगापुर का संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में संपन्न हुआ। तो पूछेगा कहाँ पर संपन्न हुआ बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो आप बताएंगे जोधपुर में ये संपन्न हुआ। नेक्स्ट, फरवरी में भारत की थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति घटकर 3.85% रह गई। नेक्स्ट चलते हैं, देखें राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब बनाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा 16 मार्च कब बनाया गया, 16 मार्च को बनाया गया, इम्यूनाइजेशन डे 16 मार्च। नेक्स्ट चलते हैं, देखें विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या थी, तो आप आंसर बताएंगे एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्योरिंग क्लीन द एनर्जी ट्रांसनेशंस। देखें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में रेशम उत्पादकों के लिए रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, तो आप आंसर बताएंगे उत्तराखंड। कौन सा बन गया, उत्तराखंड। नेक्स्ट, भारतीय स्पर्धी आयोग के मेट्रो स्थानीय व्यवसाय के लिए रिलायंस डैश खरीदी की मंजूरी दे दी है, तो आप बताएंगे 344 मिलियंस की मंजूरी दे दी गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम डैश ने और डैश के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया है, तो आप आंसर बताएंगे तलबेश पांडे एम जगन्नाथ। कौन है, तलबेश पांडे और एम जगन्नाथ। नेक्स्ट है, NMDC लिमिटेड के अध्यक्ष व सह प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप आंसर बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा अभिकांत मुखर्जी। कौन हो जाएगा, अभिकांत मुखर्जी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए फिर से गणित के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 की थीम क्या थी, तो आप इसका याद रखेंगे, इसकी थीम क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। कौन सी हो जाएगी, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए दुनिया 2023 में दुनिया के सबसे प्रदूषित प्रदेशों की भारत में रैंक क्या थी, तो आप आंसर बताएंगे 8। कौन सा हो जाएगी, 8वीं रैंक थी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए रेल और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा भारत में पहली ब्लू ट्रेन कब तक चलेगी, तो आप बताएंगे 2026 तक चलेगी। कब तक, 2026 तक। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई संगठन के बोध के लिए वो बन गया, तो आप आंसर बताएंगे ए हो जाएगा, भारत।